हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में कोई भी पिक एंड वीडियो को हाइड कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना है। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप हैं जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में कोई भी पिक एंड वीडियो को हाइड करने के लिए सबसे पहले आपके फ़ोन में आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलता है फाइल नेम से, आपको उसको ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद में यहाँ से आपको सेव फोल्डर पे क्लिक करना है। सेव फोल्डर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको पिन पे क्लिक करना है। पिन पे क्लिक करने के बाद में आप अपना कोई भी पिन सेट कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और एक बार पिन को कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद में आपको गॉट इट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है इमेज का, आपको इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको काफ़ी सारी पिक एंड वीडियो देखने को मिल जाती है जो भी आपको हाइड करना है। आप इस तरह से लॉन्ग का सर्कल उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है मूव टू सेव फोल्डर का, मूव टू सेव फोल्डर पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपने फोन में ओल्ड पिन एंटर करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपके फोन में पिक हाइड हो चुकी है। जो भी पिक आप अपने फोन में हाइड करते हो वो आपको गैलरी में देखने को नहीं मिलती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।